आज 5 विधानसभा सीट के लिए और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, कहाँ आपकी पार्टी दिख रही है खड़ी? एक बात हम आपको बता दें, 5 विधानसभा का सीट पर चुनाव हो रहा, जिसमें हम 4 लड़ रहे, 1 पर बीजेपी लड़ रहा है, 5ों में 5ों सीट जीत रहे हैं। 1 लोजपा लड़ रहा है लोकसभा का सीट, वो भी हम जीत रहे हैं। कहीं दिखाई दे रहा है का विपक्ष का कोई नाम लेने वाला है? हम गए थे आपको बांका में, हम गए थे भागलपुर में, नाथनगर में, कई गांव का दौरा किया, लोगों से पूछा कि पहले की सरकार में और आज की सरकार में अंतर नज़र आ रहा है, तो लोगों ने कहा कि सर जितनी आकाश और पताल की दूरी है, इतना अंतर महसूस होता है नीतीश कुमार की सरकार में। तो नीतीश कुमार में विकास ही मुद्दा है और विकास के सवाल पर हम लोग को वोट मिल रहा है। अब 5ों में 5 विधानसभा का सीट, लोकसभा का सीट हम लोग जीत करके आ रहे हैं। कहीं पर विपक्ष का नाम लेने वाला नहीं। हम तो गए बेलहर में तो लोगों ने, और ख़ासतौर से यहाँ बेलहर और भागलपुर में हम अन्य वोटर्स, तो सिर्फ लंटेन छाप जनता, वो लोग बोलता है कि बाप रे बाप, फिर वही शासन आ जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सब कोई सहमा हुआ है, डरा हुआ है, और एक ही नारा है, ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे नीतीश कुमार, बीच में कोई नहीं है। लेकिन ठीक है, महागठबंधन में बिखराव है, लड़ाई चल रही है, एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं लगातार। भाई कोई मोर्चा नहीं है, एनडीए में कोई दरार नहीं है। यूपीए के लोग से पूछिए, सब मुख्यमंत्री के दावेदार है। यूपीए में उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के दावेदार है, माझी जी उपेंद्र मुख्यमंत्री के दावेदार है, साहनी जी मुख्यमंत्री के दावेदार है, आई तो तेजस्वी सेलेक्टेड उम्मीदवार है। मैंने इस तरह लगता है कि मुख्यमंत्री टोकरी में बिकता है, बाजार में कोई खरीद लेगा। किसी तरह का एनडीए में दरार नहीं है। अमित शाह जी भी इस बात को मोहर मार दिया कि अगला विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ जाएंगे और 2020 में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, कहीं से दो राय नहीं है। बीजेपी के नेताओं की जो मांग है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, उसमें दम नहीं है। कहाँ कोई मांग रहा है? अमित शाह से बड़ा कोई पार्टी में नेता है क्या? नरेंद्र मोदी से कोई बड़ा कोई नेता है क्या? लोकतंत्र में तो कुछ बोले अवली होते ही रहती है, लेकिन बीजेपी में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, जेडीयू हमेशा ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ती रही है, तो क्या इस बार भी वैसे ही बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहेगी या बराबर बराबर सीटों पर समझौता होगा? एक बात हम बता देना चाहते हैं, सीट की बंटवारा अभी नहीं हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी इस बात पर फैसला करेंगे कौन कितना सीट पर लड़ेंगे। सीट मायने नहीं रखता है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व बीजेपी कबूल लिया है और आगे भी कबूलेगा, एनडीए कबूलेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं। सीट की संख्या को लेकर नीतीश कुमार नाराज नहीं होंगे, छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के विवाद होने की संभावना ही नहीं। अच्छा, हम 2 लोकसभा में सीट में थे, 2 मेरा सीटिंग था, 50-50 पर लड़े। हाँ, तो वही तो बीजेपी कर रही है कि अब विधानसभा भी 50-50 पर लड़ी है। हम 50-50 पर लड़े ना, तब 2 वाला आदमी 50-50 जब ले सकता है, तो जब आपके हमारी संख्या जब यहाँ पर 70-71 है, तो उसके हिसाब से गणना कर दीजिए कि कितना होगा। मतलब ज्यादा हो जाएगा, माने अब कितना होगा, अब तो तय कम नहीं हो, बराबर बराबर नहीं, अब कितना होगा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो आपने देखा, भगवान सिंह कुशवाहा ने सीधा सीधी जवाब नहीं दिया, लेकिन संकेत तो दे ही दिया कि जब 2 सीट लोकसभा का चुनाव में मिला था जेडीयू को, उसके बावजूद बीजेपी को 16 सीटें देनी पड़ी लोकसभा चुनाव 2019 में, तो फिर जिस नीतीश कुमार के पास 70-71 विधानसभा के सीटें हैं, उसको नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? तो जिस पार्टी के पास जितनी सीटें हैं, जो पार्टी जितनी सीटें जीत सकती है, उसी के हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि ये तो बाद में तय होगा और इस पर अंतिम फैसला तो नीतीश कुमार और अमित शाह ही बैठकर लेंगे। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपको एक बार फिर बता दूं कि आज बिहार के 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, वोटिंग का काम चल रहा है, कहीं से किसी तरह की अप्रिय वारदात की खबर नहीं है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और सभी घटक दल यानी महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। आज बस इतना ही। हर पल हर मिनट हम आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें लाते रहते हैं, वैसे ही लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। धन्यवाद।
चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। ओह रियली? यस, आई लाइक सरप्राइजेस बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. पता नहीं किसका घर है? ये हमारा पैनल, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम, पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेंपल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।